प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है, भूकंप होता है, जल के प्रवाह होता है, अधिक बारिश होने के कारण उबाड़ भी आता है। हम तब उस समय में जानवरों का मदद करना चाहिए और जानवर भी कभी कभी मनुष्य का मदद करते हैं। आइए हम आज देखेंगे चारवी कक्षा के एक पाठ पर कलोनिया। पाठ का नाम क्या है? कलोनिया। वहाँ उन्होंने ऊपर जाकर वहाँ अच्छे के लिए
करेंगे। कृतज्ञ का मतलब क्या है? जो किए हुए उपकार को जो भी मिलते था वो कुछ डाल देती। चित्र में ये देखिए बच्चों,
सारी माँ ये सब फलों को अपने बच्चे के लिए देती थी और कल्लू मियाँ वहाँ जो मिलते थे रुका सूखा और ठीक खा कर जीना बिताते थे। कल्लू बचपन से बहुत प्यार करता था, वह भूखा रहने पर भी हसमत का साथ नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन कल्लू मियाँ जो हाथी थे ना वो हसमत से बहुत प्यार करता था, इसलिए भूखे होने पर भी वो कुछ भी नहीं करता था और छोड़ना नहीं चाहता था। हसमत कभी कभी जंगल से लकड़ियां लाने चाहता तो लकड़ी चाहता लकड़ियां जाने के लिए लाने के लिए कभी कभी हसमत ने वो जंगल जाने के समय वो हाथी भी साथ साथ ले जाता था। उस दिन कल्लू की पिकनिक हो जाती थी, अगर जंगल जाते के समय में पिकनिक हो जाती थी वहाँ वहाँ जी तक कर तार तलैया में नहाता था। तार तलैया का मतलब क्या है? तार तलैया छोटा ताला, पार खाते नाते सीधे छोटे ताला को तार तलैया कहते हैं। अंग्रेजी के पाल कहते ना वहाँ को खूब जी भर से वहाँ को नहाता था और जंगल में जो मिलते थे ना पाल मिलते थे पत्ते मिलते थे जी भर कर खाता था। एक बार हसमत को बीमार हो गया, बीमार में पड़ गया था कई दिनों तक बीमारी वो भूखा नहीं उतरा। सभी माँ दो चार दिन कल्लू को कुछ रुका सुखा देती रही, जो कुछ वहाँ मिलता था रुका सुखा देती, उससे उसका पेट तो नहीं भरता था, बहुत बड़ा नहाते और रुका सुखा जो कुछ और जिसे कैसे पेट भरता है। सभी माँ अपने बच्चों को खाना देती तो और उसे उदासी से देखता, जोर जोर से जिंगारता और जोर जोर से आवाज करता था, भूख से तड़पता था। एक दिन सलमान ने उसकी जंजीर को खोल दी, उसको जंजीर खोल कर कहा भाग यहाँ से, अपने खाने को तो नहीं तुझे कहाँ से खिलाऊं, हमें भी खाने के लिए नहीं है, तुझे क्या खिलाऊं, भाग यहाँ से जाओ चले जा। इस तरह सलीमा ने एक दिन को कहा। कल्लू छूट कर सीधा हसमत की चारपाई के पास जा पहुंचा। वह एक चारपाई में हसमत वहां लेटा था, वहां पास जाकर पहुंचा। हसमत सब समझता था, सब मालूम होता था उनको, वह गिरता पड़ता उसके साथ चल पड़ता। उन्होंने कल्लू मियाँ के साथ दोनों ने वहां से चल पड़े। कल्लू ने अपने सूंड से उठाया, हसमत को अपने सूंड से उठाकर और मस्तक पर बैठ लिया, वो पीठ पर बैठ कर वहां वहां से तेजी से एक और चला दूसरे तक, वो दूसरे जगह पर दोनों ने कल्लू मियाँ और हसमत मियाँ ने वहां एक घाव तक दूसरे का वहां पहुंच कर वहां एक मेला था। मेला का मतलब क्या है? पेड़ या उत्सव कहते ना। वहां पहुंच गए दोनों ने, वहां पहुंच गए बच्चे हाथी देखकर तालियां बजाने लगे। अपने घर के पास अगर हाथी आ गए तो खुशी से तालियां बजाते हैं ना, उसी तरह तालियां बजाते खुश हो गए वहां आस पास के बच्चे। किसी ने हाथी के लिए केले का एक गुच्छा दिया, किसी ने जाकर हाथी को देकर एक केले का गुच्छा लाकर खाने के लिए दे दिया। एक बालक ने अपने पिता से जिद करने लगा, मैं हाथी को सवारी करूंगा, आपने कभी भी हाथी पर सवारी किया है क्या? यहाँ भी एक बच्चा ने जिद कर दिया, मैं भी हाथी पर बैठूंगा सवारी।
पत्ते कलमिया के कारण ही मिला है, कलमिया के कारण मिला है। सलीका ने पैर से कलम को सहलाया, हाथ फेर दिया, पैर से कलम को देखा, हाथी की मिठाई उसके ओर बढ़ा दी, हाथी मिठाई को ओ दे दी और कलम ने अपना बड़ा सा सिर हिलाया, खुशी से छोटा सिर हिलाया और कहा, तू खा ले, खा लो, आज मेरा पेट बहुत बड़ा है। वो मुस्कुराती है। इससे हमें पता चलता है हमारे आसपास तो कितने जानवर होते हैं, बिल्ली होता है, कुत्ता होता है, गाय गाय सब होता है, हम कान से उसको देखभाल करना है। आसपास जो भी जानवर होता है उससे भी हमें फायदा है, हमें उसे कान से देखना चाहिए। बच्चों समझ गए ना, आज हम समाप्त करेंगे।